डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने नाद की रीडिंग की थी, आज हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। फर्स्ट है, मुश्किल अल्फाज के जोर तोर सीखने से अल्फाज की इमला आसान हो जाती है। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के जोर तोर की मशक करते हैं। यहाँ पर हमें लफ्ज तोड़ के दिए हुए हैं, हमने इन्हें जोड़ के लिखना है। जैसे है के लाम काफ खल्क, इसी तरह सारे लफ्ज पढ़ें और इन्हें जोड़ के लिखें। सेकेंड है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। यहाँ पर हमें लफ्ज दिया होगा जिसके नीचे लाइन लगी है, हमने उस लफ्ज का मतलब ढूंढना है और उस पर सर्कल करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी खल्क के लिए रहमत बनकर आए। इंसानों, जानवरों, मखलूक, खल्क का मतलब है मखलूक, सर्कल कर दें। वीराने में खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, वीराने, वीराने का मतलब है गैर आबाद जगह, सर्कल कर दें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को महकाया, महकाया खुशबू फैलाना, सर्कल कर दें। इंसानों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसान हैं, एहसान, एहसान का मतलब है भलाई, भलाई पे सर्कल कर दें। कॉपी की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, बिगड़ी का मतलब खराब, खराब पे सर्कल कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले में सबसे पहले है खल्क, खिदमत खल्क का बहुत अजर मिलता है। बिगड़ी, मरीज की हालत बिगड़ी हुई थी। एहसान, हमें हर एक से एहसान करना चाहिए। वीराना, जंगल और सहरा में वीराना ही वीराना था। रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। बेटा ये जुमले मैंने खुद से लिखे हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं, कोशिश करें जुमले ज्यादा से ज्यादा खुद बनाएं। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एक शेर दिया गया है, हमने इस शेर का मफहूम यानी तशरीह लिखनी है। अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों का खात्मा किया और अच्छाइयों की रोशनी से पूरी दुनिया में उजाला कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। मिसाल को देखते हुए दोनों कॉलमों में लिखे गए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से मिलाकर नए अल्फाज बनाए। जैसे यहाँ पे कॉलम अलिफ है और इसमें जो लफ्ज दिए हैं हमने उसे बे वाले कॉलम में मिलाना है। हक दार, बा अदब, खुश किस्मत, ला जवाब, गैर हाजिर। आपको बेटा बुक वर्क करने का तरीका समझ आ गया है। अल्लाह हाफिज़।